एक गांव में एक बड़ा धनवान आदमी हुआ करता था। वो तरह तरह के व्यापार करता था। ऐसे व्यापार करते करते उसने अवैध रूप से बहुत पैसे कमाए। एक बार वो अपने पत्नी से, सुनो री, तुम्हें बताए बगैर मैंने एक काम किया है, चलो दिखाता हूँ, कहकर पत्नी को बेडरूम के अंदर ले जाकर वहां मौजूद खाट को हटाया। उसके नीचे सीढ़ियां थी। दोनों सीढ़ी उतरकर अंडरग्राउंड पहुंचे। वहां मौजूद एक सुरंग के अंदर से दोनों रेंगते हुए एक तिजोरी के पास जा पहुंचे। वो उसे हथौड़े से मारते ही वो तिजोरी खुल गई। उसके अंदर सोना, पैसे और हीरे थे। उसे देखकर उसकी पत्नी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो, देखे ना, मैंने जानबूझकर इस हथौड़े को तैयार करवाया है। अगर कोई चोर आए तो भी ताला खोलने की कोशिश करेगा, मगर हथौड़े से मारे तो खुल जाएगा, कहकर उसे नहीं पता चलेगा। अब इन पैसों को भगवान भी पहचान नहीं पाएंगे। मैं किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ, कहकर तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें ये इसलिए दिखा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद ये सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। कहने के लिए मेरा एक बेटा है, मगर उससे कोई फायदा नहीं है, उस पे सिनेमा का भूत सवार है। किसी भी हालत में उसे ये मत दिखाना, कहकर चेतावनी दिया। उस अमीर आदमी का रोशन नाम का एक बेटा था। उसे सिनेमा हीरो बनने का सपना था। आए दिन सेकंड शो सिनेमा को जाता था। अगले दिन सिनेमा की कहानी गांव वालों को बताता था। हीरो के जैसे डांस और फाइटिंग करते हुए सबको दिखाता था। ये देखकर लोग खूब हंसते थे। एक बार उसके पिताजी, क्या 1 करोड़ रुपए दिए तो तुम हीरो बनके सिनेमा निकालोगे? तुम सटिया गए हो क्या? परसों ही शॉर्ट फिल्म कहकर 1,00,000 रुपए बर्बाद कर दिए। उसे यूट्यूब में अपलोड किए तो सिर्फ 3 ही व्यूज आए, वो भी तुम, मैं और तुम्हारी माँ के देखने पर आए थे। उस बकवास फिल्म को हमारे अलावा कम से कम अपने गाँव वाले तो भी देखे क्या? अब जाओ यहाँ से, निकम्मे कहीं के, कहकर डांटा। ये सुनकर रोशन को बहुत गुस्सा आया। एक बार रोशन उसके पिता को खाट हटाकर सीढ़ियां उतरकर अंडरग्राउंड में जाते हुए बाद में वहां पर पैसे छुपाते हुए देख लेता है और बाप रे बाप, इतने सारे पैसे रखकर बेटे के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए भी नहीं दोगे क्या? छी छी, तुम्हारे जैसे पिता के वजह से ही हमारे जैसे लोगों का टैलेंट दब जा रहा है, सोचा। एक बार रोशन घर के बाहर आकर देखा कि वहाँ पर शूटिंग चल रही थी। डायरेक्टर हीरो को डांट रहा था, ये क्या भाई, ये डांस क्या है, ये फाइट क्या है, छिछी तुमसे भी वो जूनियर आर्टिस्ट बेहतर है, तुम्हें हमने बेकार में लिया है, कहा। हीरो तब, हेलो डायरेक्टर, जुबान संभाल के, मेरे फैंस को पता चला तो तुम्हारा अचार बना देंगे, बेचारे हो सोचकर तुम्हें चांस दिए तो मेरे एक्टिंग में ही कमियां निकालोगे क्या? मुझे गुस्सा आया तो तुम्हें ही बदल दूंगा, मेरे बिना तुम्हारी कोई कदर भी नहीं करेगा, पता है क्या, कहा। प्रोड्यूसर तब, ए हीरो, मुंह बंद करो, तुम और तुम्हारे बेकार फैंस अपना घमंड मुझे मत दिखाओ, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, तुरंत मेरे आँखों के सामने से चले जाओ, मैं कोई नए लड़के को रखकर हिट फिल्म बनाकर दिखाऊंगा। यूँ कहते ही हीरो गुस्से से वहाँ से चला गया। रोशन तब, सर सर, ये क्या सर, उन्हें ऐसे डांट कर भिजा दिए, वैसे वो कहाँ के हीरो है, मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा, अब आपकी फिल्म रुक गई तो कैसे सर, कहा। डायरेक्टर तब, वो साउथ का बड़ा हीरो है भाई, आजकल चंद साउथ मूवीज हिट होने के बाद सब अपने आप को पैन इंडियन स्टार समझ रहे हैं, ये भी उन्हीं में से है, इसलिए उसे उतना घमंड है, वो जो बोलेगा वही डायलॉग और वो जो भी करेगा वही डांस है, कहकर बोल रहा है, कहा। प्रोड्यूसर तब, डायरेक्टर साहब जाने दीजिए, आप घबराइए मत, जरूरत पड़े तो मैं इस लड़के को लेकर फिल्म बनाऊंगा, ठीक है? अरे रे, सॉरी बेटा, मैंने ऐसे ही कह दिया, तुम नहीं, तुम्हारे जैसे एक लड़के को रखेंगे, गलत मत सोचना, तुम्हें सिनेमा में इंटरेस्ट है कि नहीं ये जाने बिना मैंने कह दिया है, कहा। रोशन तब, इंटरेस्ट
आर्टिस्ट क्या सर, दीवाना हूँ सर, दीवाना। मुझे एक्टिंग करने की पागलपंती है। आपको हीरो ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं ही हीरो बनूंगा। मेरा नाम है रोशन और गांव में सब मुझे कहते हैं ऋतिक रोशन, कहा। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खुशी से रोशन के गले मिले। उसके बाद रोशन डांस और फाइटिंग करते हुए शूटिंग में धूम मचाने लगा। एक बार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उदास बैठे हुए थे। रोशन क्या हुआ है कहकर पूछा तो डायरेक्टर, क्या कहूँ रोशन, हमने आज एक तिजोरी खोलने का सीन प्लान किया है, मगर उसे खरीद कर लाने जितने पैसे हमारे पास नहीं है, इसलिए ऐसे बैठकर क्या करना है कहकर सोच रहे हैं, कहा प्रोड्यूसर। तब पैसों का इंतजाम होने के बाद ही शूटिंग शुरू करने की सोच रहे हैं रोशन, अब मैं पैकअप कह दूंगा, कहा रोशन। तब सर सर रुकिए रुकिए, इतनी छोटी सी बात के लिए शूटिंग को क्यों रोकना, हमारे पास तिजोरी है, मगर मेरे पिताजी को पता चले बिना उसे बाहर कैसे लाएं, कहा डायरेक्टर। तब क्या ये सच है, उनसे छिपाकर तिजोरी लाना अच्छी बात नहीं है, मगर उनके जानकारी के बगैर हम वहाँ पर जाकर शूटिंग करके आ सकते हैं, क्या कहोगे, कहा रोशन। तब क्या हम वहाँ पर भी शूटिंग करेंगे, अरे वाह आप सुपर डायरेक्टर है सर, मेरे पिताजी के बाहर जाने के बाद हम अंदर जाएंगे, कहा। ऐसे जब उनके पिताजी घर में नहीं थे, सब उस खाट को हटाकर सुरंग के अंदर से रेंगते हुए उस तिजोरी के पास पहुंच गए। रोशन, सर सर एक छोटी सी बात है सर, ये तिजोरी चाबी से नहीं खुलेगी, इसे हथौड़े से मारे तो ही खुलेगी, मेरे पिताजी ने इसे ऐसे डिजाइन किया है, लगता है आपको स्क्रिप्ट बदलना पड़ेगा, कहा डायरेक्टर। तब ये खुल गई तो बस है भाई, उसके बाद मैं कुछ भी बदल सकता हूँ, क्यों हीरोइन जी, रोशन हथौड़े से मारने के बाद तुम्हें उन्हें कॉफी देकर आई लव यू कहना है, ठीक है, टेक एक्शन, कहा। कैमरा मैन ने कैमरा चालू किया, रोशन तुरंत हथौड़े से तिजोरी को मारा, उसके खुलते ही आई लव यू कहकर उसे कॉफी दी। वो कॉफी पीने के बाद रोशन बेहोश होकर नीचे गिर गया। प्रोड्यूसर तब, याहू हमारा प्लान सक्सेस हुआ है, इस हथौड़े के बिना हमें पैसे नहीं मिलते थे, कमॉन कमॉन, कहा। ऐसे वो सब पैसे लूट कर वहाँ से चले गए।